टू माई चैनल आई होप यू आल आर डूंग गुड आज की आपके डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन एंड लाइक स्किन ट्रांसफॉर्मेशन टू स्टेप शेयर करने वाली हूँ जो कि आप करेंगे अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है एक्नि मार्क्स है बहुत डल आपकी स्किन है देन ये टू स्टेप आपको डेली करना है एंड यू विल सी विजिबल रिजल्ट सो लेट स्टार्ट विदीडियो सबसे पहले तो ना मैं यूज करती हूँ फेस वॉश मैं यूज नहीं करती हूँ अभी अभी जो मैंने जो स्टार्ट

तो आप इसको फाइव मिनट्स के अपने फेस पे लगा के छोड़ सकते हैं एंड आप इसको अपने बाथ लेते टाइम भी यूज ट्राई कर सकते हैं लाइक like फेस पे जाते ही आपने अप्लाई कर लिया एंड देन आप अच्छे से बाथ ले रहे हो और लास्ट में आपने अपना फेस वॉश कर लिया ऐसे भी आप कर सकते हैं बट अगर आप सुबह उठते ही अपना फेस वॉश करते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं जस्ट इस पाउडर को लें अच्छे से एंड अच्छे से फेस पे मसाज करें एक से तो दो तीन मिनट रहने दें एंड वॉश कर लें तो एज अ फेस वॉश आल्सो एंड एज अ मास्क ऑल्सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है देन आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर मिल्क रॉ मिल्क रॉ मिल्क आप कच्चा दूध रख लिया करें रोज़ एंड उसको आप अप्लाई कर लें बट अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ऑयली स्किन है तो आप इसके अंदर पानी मिक्स करके ही यूज़ करें और नॉर्मल है तो भी वाटर के साथ तो मैं नॉर्मल वाटर के साथ उसको मिलाती हूँ और अप्लाई कर लेती हूँ अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा और चाहते हैं तो आप इसमें एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं रॉ जो घर पे हम एलोवेरा लगाते हैं वो या फिर एलोवेरा का एलोवेरा जेल भी जो मिलता है गुड वाइब्स वगैरह का वो सब भी आप यूज़ कर सकते हैं सो so, इन दोनों को अच्छे से मैं अप्लाई कर लेती हूँ इन दोनों को अच्छे से पेस्ट में रोज मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं पांच मिनट रखती हूँ अपने फेस पे एंड देन वॉश करती हूँ तो फाइव से टेन मिनट्स रखें एंड वॉश कर ले एज अ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है सेकंड स्टेप जो आपको डेली करना है वो होता है हनी जेल तो उसके लिए मैं ये यूज करती हूँ ये है गुड वाइब्स का हनी जेल एंड ये जो है ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है साथ ही साथ आपका जो फेस है उस पर से जो पिगमेंटेशन होती है उसको हटाने में काम करता है एंड जैसे कि ये दो चीजें थोड़ा सा आपकी स्किन को ड्राई कर देती हैं तो आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने में ये काम करेगा आपको इसको लेना है थोड़ा सा स्कूप कर लें एंड अच्छे से फेस पे मसाज दे गुड मसाज दे क्योंकि आपकी स्किन को लाइक मसाज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपकी स्किन टाइटन अप हो जाती है लाइक कुछ आ, स्टेप्स होते हैं जो आप करोगे तो आपकी जो आ, स्किन है वो अपलिफ्टेड रहती है एंड एजिंग को थोड़ा सा डिले कर देती है तो कुछ आ, मसाज के स्टेप्स हैं जो कि आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे वो आप करें एंड इसके इससे आप कम से कम तीन से चार मिनट का अपने स्किन पे गुड मसाज दें मसाज देने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है अगर वैसे तो ये पूरा स्किन में एब्जॉर्ब हो ही जाएगा बट अगर रह जाता है तो आप वेट वाइप्स लें या कुछ भी लेके अपने फेस को एक बार क्लीन कर लें थर्ड स्टेप जो मेरा डेली होता है वो होता है पहले तो टोनर अप्लाई कर लो और जो ब्राइटनिंग और क्लीन अप के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ पपाया का ब्राइटनिंग क्रेम जेल जेल क्रेम और ये काफी लाइट वेटेड है तो मुझे मुझे वो हैवी वाले मॉइस्चराइजर बिल्कुल नहीं पसंद जो कि फेस पे स्टिकी और हेवी लगे तो ये काफी लाइट जेल क्रीम जैसा है सो so, इसको आपको अप्लाई करना है uh, जेल के बाद अच्छे से मसाज करें एंड देन आपको क्रीम अप्लाई करनी है क्रीम को अच्छे से फेस पर अप्लाई कर दें एंड याद दैट्स इट ये थ्री स्टेप आपको करना है फेस मास्क जेल मसाज एंड क्रीम इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो so ये जो है आप चीजें करेंगे तो आपको डे बाय डे आपके स्किन में एक काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा एंड आपको जरूर पसंद आने वाले हैं ये थ्री स्टेप्स अगर आप चाहें तो इसके जगह ऑरेंज जेल भी ले सकते हैं या फिर सिंपल एलोवेरा जेल भी अगर ट्राई कर सकते हैं अगर आपको वेरियंट्स में ज्यादा नहीं पसंद है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जेल में एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट्स बाय करने हैं देन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू बाय